उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के बीच तमाम राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं। सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र में सत्ताधारी पार्टी भाजपा की तरफ से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में भाजपा के प्रदेश मंत्री शंकर गिरि बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। शंकर गिरि जिला अध्यक्ष सहित मंच पर उपस्थित सभी नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान हजारों कार्यकर्ताओं को शंकर गिरि ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के साथ साथ विपक्षी पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस की जमकर आलोचना की। इतना ही नहीं, उन्होंने कभी अपने सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर को भी नहीं बख्शा। वरिष्ठ अधिवक्ता कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने कोर्ट से गुहार लगाई कि नियमित सुनवाई न होने पाए, हम लोग को दिक्कत होती है साक्ष्य जुटाने में। जब 200 साल से साक्ष्य नहीं जुट पाया तो आज जुड़िया का क्या कि वो बाबरी मस्जिद थी। कांग्रेस को जवाब देना होगा कि आप बाबरी मस्जिद के पैरोकार थे भी नहीं। यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में राम के नाम पर प्रतिबंध लग गया था। श्री राम बोलने वालों को जेल में डाला जाता था। जाहिर है कि जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी पार्टियों की तरफ से बयानबाजी का दौर भी तेज हो चुका है। ऐसे में तमाम पार्टियों की तरफ से किए जा रहे दावों में से किस पार्टी का दावा सही साबित होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। सुल्तानपुर से दिल से यूपी चैनल के लिए सुरेश कुमार की रिपोर्ट।